नमस्कार, मैं इंतखाब अनवर और आप देख रहे हैं बिहार का नंबर वन यूट्यूब चैनल न्यूज़ 111। आज बिहार का बजट आया है, बिहार का बजट जिसका काफ़ी दिनों से बिहार वासियों और पटना वासियों को उम्मीद थी, ये कयास लगाई जा रही थी कि कुछ ना कुछ इस बार बिहार का बजट बिहारियों के हित में होगा। जैसा कि देखा बताया गया बजट में कि ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास कार्य हेतु बिहार सबसे ज़्यादा खर्च करता है, वहीं शिक्षा को लेकर बिहार सबसे ज़्यादा खर्च करता है, रोज़गार सबसे ज़्यादा बिहार में है, बिहार सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाला शहर है। तो आइए कुछ लोगों से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि ये सारी चीज़ जो आज बजट में बताई गई है, पेश किया गया है, वो कितना धरातल ज़मीन पर भी है या सिर्फ कागज़ों पर है। बिहार का जो आज बजट पास हुआ है उसमें ये बताया गया है कि बिहार सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाला शहर है। आपको क्या लगता है, ये कितना सच है, ये बजट में कितनी सच्चाई है? बिहार तो ग्रोथ करने वाला है ही, लेकिन बजट इसका जो है ये सही नहीं है। कारण क्या है, यहाँ जो कल कारखाने हैं सभी बंद हैं, उसके लिए केंद्र सरकार को देना चाहिए ना। तो सरकार ने तो ये पेश किया है बजट में कि बिहार में सबसे ज़्यादा रोज़गार है। है रोज़गार, मगर क्या है, रोज़गार को शुरू करने के लिए बढ़िया तरीके से पैसा नहीं है, तो पैसा मांग रहे हैं तो वो लोग दे नहीं रहा है। शिक्षा को लेकर क्या रहा है आपकी, कहा जाता है कि शिक्षा को लेकर सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है। शिक्षा पे खर्च है, मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं, मगर क्या है, अभी लोग यहाँ से भी चले जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, तो पढ़ाई का यहाँ बनाना पड़ेगा उस तरह का जो है। जो गरीब आदमी ठेला ठूला पर बेचता है उसी को भी हटाता है आदमी, ऐसा कुछ नहीं। आप खर्च कीजिए, और बच्चा गरीब आदमी के नहीं मिल रहा है, ऊपर में सब बंटवारा हो जा रहा है, तो कहाँ कुछ गरीब आदमी के मिलेगा तब तो जानेगा। तो पैसा वाला के बच्चा कहला ना सरकारी स्कूल में पढ़ता है, कि गरीब आदमी के बच्चा खाली स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ता है। कुछ सहमत नहीं है यहाँ, कुछ नहीं। एगो रोड बढ़िया काम हुआ है रोड का बिहार का, और अभी जो शौचालय के एगो जो बढ़िया काम हुआ है, और गरीब आदमी के तो गरीब आदमी रोड पर अगर ठेला लगा के कमा रहा है उसको भी भगा रहा है। यहाँ क्या रोज़गार है, यहाँ से हम लोग जाते हैं दिल्ली और पंजाब कमाए, गुजरात गए तो वहाँ से मार के भगाया, दिल्ली में जाते हैं तो 8,000 रुपया देता है, 4,000 खाते हैं, 4,000 बचता है, वो में आधा ट्रेन में आते आते मर जाते हैं। शिक्षा के लिए सहमत हैं, खर्चा तो कर रही है और थोड़ा बहुत कमी भी है। बिहार में रोज़गार बहुत नहीं है, जहाँ तक रोज़गार को छीन रहा है सरकार। क्योंकि हम लोग रोज़गार की तरफ से हम लोग ASB हैं, सांख्यिकी स्वयं सेवक संघ। सरकार हम लोग को अनुशंसा में रख रही है कि आप लोगों को जो है मानदेय कर देंगे, लेकिन आज तक कोई मानदेय करने का नहीं है, नहीं किया गया है, और सब दिन हम लोग शिक्षा का स्थिति तो बिहार में सबसे घिरा हुआ है। इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा भी आंदोलन किए, लाठी चार्ज हुआ एक हफ्ता पहले की बात है। शिक्षा का स्थिति तो सबसे गिरा हुआ है बिहार में। ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में जो है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्य हेतु काफ़ी पैसे खर्च किए जाते हैं। तो आप लोग भी घूरते हैं, देखते होंगे ना, विकास तो 5 साल पहले कुछ हुआ था, लेकिन इधर तो विकास कुछ नहीं हो रहा है। अभी तो जो सरकार है भाजपा यूनाइटेड का, डेली तकरार में चल रहा है दोनों, अभी तो काम हो नहीं रहा गया है। बजट में कि जो बिहार का ग्रोथ रेट है वो सबसे आगे, अभी तो कागज पर है, ज़मीन पर कहाँ है हम लोग तो नहीं देख रहे। हम लोग गांव से आते हैं, वैसा कुछ है नहीं। तो आपको क्या लगता है, इस बार का जो बजट है वो बिहार के लोगों के लिए सफल है या असफल है? असफल है। इसमें तो आदमी परेशान है, सच्चाई कि इसमें कहाँ का ये गुंजाइश है। ये भी कहा है बजट में कि शिक्षा के कार्य में सबसे ज़्यादा खर्च करता है बिहार। करता है तो जो सही जगह पे पहुँचना चाहिए उस एतवार से सही जगह पे पहुँचती नहीं है, वो तो ऊपर से ही लोल बिल हो जाता है। ये भी कहा जाता है कि बिहार में बहुत ज़्यादा रोज़गार है, सबसे ज़्यादा रोज़गार बिहार में। रोज़गार का ये हाल है कि आदमी PhD करके है नहीं, MA कर के जो इसे आदमी परेशान है नहीं, कोई एक मामूली सी नौकरी करने के लिए परेशान है, कैसे कहता है कि जैसे नौकरी इसमें ज़्यादा और ये रोजगार। मानना है कि बिहार में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, मैं नहीं मानता इसको। तो आपके हिसाब से ये कितना सफल है या असफल है बजट जो बिहार का आ जाया? ये असफल है, सफल नहीं है।
महंगाई में जो है से गिरावट हुई है। पहले जो है से दाल हम 200 रुपये किलो खरीदते थे, आज जो है 60 रुपये 70 रुपये हर दाल मिलती है। और शिक्षा में कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा खर्च बिहार करता है, लेकिन शिक्षा में अभी और भी जो है ज़रूरी है, इसमें जो है और सारा स्टेप लेने की ज़रूरी है। शिक्षा में बजट ज़्यादा खर्चा होता है, लेकिन धरातल पर में जो है उसका असर कुछ दिखता नहीं है। तो वहीं ये भी मानना है कि बिहार में सबसे ज़्यादा रोजगार नहीं, रोजगार में भी बहुत सारा कुछ करने की ज़रूरत है, अभी जितना बोला जाता है धरातल पर उतना नहीं है। ये भी मानना है सरकार का कि बिहार में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, ये तो आंकड़ों का खेल है, ये तो जो लोग आंकड़ा समझते हैं वही समझ सकते हैं, जो कि आंकड़ा में जो है सो ऊंचा नीचा होता है। तो आपके हिसाब से इस बार का जो बजट है बिहार का, वो सफल है या असफल है? उसको सफल ही कहा जा सकता है। तो सही है, महंगाई के स्तर में तो गिरावट आया ही है, सही है। शिक्षा में बिहार सबसे ज़्यादा खर्च करता है, शिक्षा में इसलिए कि चूंकि बेसिक यहाँ का थोड़ा कमजोर है शिक्षा, तो उस परिस्थिति में अगर उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा, विशेष खर्च नहीं होगा, तो आगे इम्प्रूव नहीं कर पाएगा लोग। इसलिए शिक्षा पर तो चूँकि शिक्षा ही सब कुछ है, शिक्षा के अभाव के बिना जो है सो आगे कोई भी सर्वाइव नहीं कर पा सकता। तो ये सही है, हाँ, शिक्षा पर तो खर्च होना ही चाहिए। रोजगार सबसे ज़्यादा है बिहार में, रोजगार, हाँ, तो रोजगार इसलिए ज़्यादा है कि चूँकि पॉपुलेशन के हिसाब से भी तो लोग ज़्यादा यहाँ हैं, तो उसके हिसाब से रोजगार का सृजन होना ही चाहिए, और रोजगार जब नहीं होगा तो आगे इम्प्रूव किसे आदमी करेगा। बिहार सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाला शहर भी कहा गया है, बिहार का, मैंने पटना की बात कर रहे हैं, बिहार, हाँ, बिहार का मैंने ग्रोथ इसलिए कर रहा है बिहार की, चूँकि अब यहाँ लोगों में जो है भय नाम का चीज़ नहीं रहा, और साथ साथ जो भी है वो समझ रहा है कि हमको अपने आप विकास कर लेना है, तो स्वयं जो है सो हमारा राज्य का विकास हो जाएगा। तो ये बजट कितना सफल है और असफल है आपके नज़र? हाँ, तो जब शिक्षा का बजट ज़्यादा हो गया तो यूँ सफल माना जाएगा इसको। ये सिर्फ बजट में आते हैं क्योंकि महंगाई के दरों में गिरावट आता है, लेकिन एक्चुअल ज़मीनी स्तर पर कोई गिरावट नहीं आया है। लोग देख ले किसी भी चीज़ में, ग्रोसरी आइटम में देख ले, साग सब्जी किसी भी चीज़ में देख ले, ठीक ना, स्टेशनरी आइटम में कहीं कोई गिरावट नहीं है। आप डीजल के रेट देख ले, पेट्रोल के रेट देख ले, आखिर ये गिरावट बोले कि केंद्र से ये हो रहा है, आखिर अब तो केंद्र सरकार भी अपने बिहार से लाइन से, फिर भी कोई गिरावट नहीं है, सिर्फ बजट आते हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं होते हैं। जी बिल्कुल, वहीं ये भी कहा जा रहा है कि शिक्षा को लेके बिहार में सबसे ज़्यादा खर्च किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, शिक्षा पर खर्चा किया जाता है, लेकिन शिक्षा की एक्चुअल में मिल नहीं रहे हैं, जो शिक्षा एजुकेशन है बस साइकिल मिल रहे हैं, ड्रेस मिल रहे हैं, खाना मिल रहे हैं, अंडा मिल रहे हैं, बट शिक्षा नहीं मिल रहा है, बाकी सब कुछ मिल रहे हैं बिहार में शिक्षा के लिए, बट शिक्षा नहीं मिल रहा है। आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, स्कूल में चले जाइए, देख लीजिए वहाँ क्या हाल है। अभी तक एक भी मेडिकल कॉलेज बढ़िया से रन नहीं कर अपने बिहार में, इंजीनियरिंग कॉलेज के देख लीजिए, सारे स्टूडेंट अदर स्टेट में जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, नोएडा में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, बट हमारे बिहार में अब तक नहीं है, गिने चुने एक दो है, बट वो भी सही से AICTE वगैरह अप्रूवल है या नहीं भी, आई डोंट नो, बट शिक्षा के उससे बजट होते हैं लेकिन शिक्षा पर कुछ काम नहीं कर रही है सरकार। सरकार से बहुत सारी उम्मीदें, हर साल सरकार आती है, सरकार बदल जाती है, बट शिक्षा के लेकर के बहुत हंसी भी आती है, बहुत रोना भी आता है, चाहे वो JDU की सरकार हो या फिर RJD के हो, RJD भी 15 साल थी, कांग्रेस भी थी, बट जी बिल्कुल यही, दूसरी तरफ ये भी मानना है कि बिहार में रोजगार बहुत है। रोजगार रहते तो आज देख ले गांधी मैदान पूरा फुल नहीं रहते, सब अपने अपने काम में लगे रहते, और इधर उधर लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं नए नए जॉब पोर्टल पे, बट जॉब तो है ही नहीं अपने बिहार में, तो खास तौर से नहीं। आप मुंबई चले जाएं, आपको बिहारी मिल जाएंगे, भैया लोग मिल जाएंगे, दिल्ली चले जाएं, गुड़गांव चले जाएं, सारे जगह बिहारी मिल जाएंगे, लेकिन अपने बिहार में रोज़गार नहीं है, बट चीप ग्रेड के हायर एजुकेटेड वाले सब बाहर जाते हैं, बट बिहार में कोई रोज़गार नहीं है, बस सिर्फ बजट पेश आते हैं। ये भी मानना है कि बिहार में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। ग्रोथ है, आप बताएं, सरकार बताए किस चीज़ में ग्रोथ है, इंफ्रास्ट्रक्चर देख ले बिहार के, रोड देख ले, किस चीज़ में ग्रोथ है, मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ, आप भी बता दें, आप भी यहाँ के नागरिक है, बिहार के नागरिक है, आप भी बता दें कि किस चीज़ में ग्रोथ है, मुझे तो नज़र नहीं आ रही है। तो इस बार का जो बजट है बिहार के लिए, वो सफल है या असफल है आपके हिसाब से? असफल है। देखिए महंगाई में तो गिरावट नहीं आई है, अगर महंगाई में गिरावट होती तो लोग गरीब नहीं होते इस चीज़ पर, क्योंकि लोग सड़क पर जैसे काम करते हैं, मैं तो देखता हूं तो उनको बहुत फील करता हूं, महसूस करता हूं कि लोग इतने गरीब हैं, उनको मिलना चाहिए हक, वो नहीं मिलता उन चीज़ का।
वहीं बिल्कुल वहीं सरकार ये भी कह रही है कि शिक्षा के मामले में बिहार सबसे ज़्यादा खर्च करती है। शिक्षा के मामले में अगर मुझे लगता है कि सरकार अगर खर्च करती है तो शिक्षा दिखाई देती नहीं मुझे। अगर शिक्षा दिखाई देती तो हर एक जगह आज नौजवान, हर एक जगह छात्र जो भी हो, पढ़ा लिखा हुआ इंसान होना चाहिए था। तो आज तो सब बेरोज़गार हैं, सब तो एक दूसरे से एक तो भिड़े हुए हैं। देख तो सब भूलते हैं कि रोजी रोटी नहीं है मेरे पास, तो मतलब कि बड़े बड़े डिग्री ले करके सब बेरोज़गार हैं। जी बिल्कुल, वही मानना है कि दूसरी तरफ ये भी बताया गया है, बजट में पेश किया गया है कि बिहार में रोज़गार बहुत है। नहीं नहीं नहीं, रोज़गार रहता तो फिर सभी रोज़गार होते हैं यहाँ पर। सभी आप जैसे भी देख लीजिए, आप रोज़गार होते तो फिर मैं भी होता। जैसे जो लेवल है वो चीज़ नहीं मिल रहा है हम लोग को, जो क्योंकि जो शिक्षा आधार पर होना चाहिए वो है नहीं यहाँ पर। क्योंकि और सुधार होना चाहिए जो शिक्षा स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि बिहार में हमेशा चोरी क्राइम होता है, यह सब चीज़ को रोक होना चाहिए। क्योंकि जो शिक्षा स्तर पर ऊँचा लेके जाना चाहिए, और बहुत से और जो क्या कहते हैं हमारे आनंद साहब जो हैं यहाँ के जो ये हैं तो बहुत बढ़िया काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनको और स्तर पर ऊपर लेके जाना चाहिए। खैर जी बिल्कुल, ये भी मानना है कि बिहार में सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाला शहर है। जी अगर ग्रोथ शहर रहता तो फिर तो पूरा यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती। तो इस बजट को जानने के बाद आपको क्या लगता है, ये बजट सफल है या असफल है? जी अगर सफल होगा तो नीतीश कुमार बताएंगे, अगर नहीं सफल है तो फिर तो मैं देखूँगा ही। नहीं, आपके स्तर से क्या है, सफल है या असफल है? जी मेरे स्तर से तो सफल नहीं है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है तो स्वाभाविक है कि घोषणा सरकार करेगी ही। और हाँ, बजट में जो पेश किया गया है कि महंगाई सबसे कम है, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। अभी कहा गया कि बिहार में सबसे ज़्यादा खर्च शिक्षा पे किया जाता है। देखिए बिहार में खर्च शिक्षा पे तो किया जाता है, ये तो लोगों को पता है, पर शिक्षा तो मिलती नहीं है जिस हिसाब से शिक्षा मिलना चाहिए। अनाप शनाप खर्च किया जाता है। ये भी कहा जाता है कि बिहार में बहुत ज़्यादा रोज़गार है। अगर रोज़गार होता भाई तो हम लोग अभी टहलते रहते हैं। आज पूरी दिन भर हम लोग बेरोजगारी की वजह से भटक रहे हैं। आज पटना के कारगिल चौक पे दिन भर धरना किए हैं, है ना। ये तो भी कहा जाता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, बजट में ये कहा गया, पेश किया गया, बिहार में बहुत ग्रोथ है। ग्रोथ तो है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उतना नहीं है जितना और शहरों में है, है ना। तो आपका क्या मानना है, ये जो बिहार का बजट आया ये आपके अनुकूल, आपके प्रति अनुकूल कितना सफल है या असफल है? देखिए मेरे हिसाब से तो ये बजट बिल्कुल फेल है, एकदम असफल हो गया ये। जी हाँ, आपने देखा, कुछ का मानना है कि ये सफल भी है तो कुछ का मानना है ये असफल भी है। असफल वो इसलिए है कि शिक्षा में खर्च तो करते हैं बिहार के सरकार, मगर शिक्षा पहुंच नहीं पाती है। रोज़गार की बातें जो कर रही है सरकार, कहीं ना कहीं रोज़गार में कमी है, तभी लोग बिहार से मुंबई, दिल्ली और अन्य शहर में जाकर रोज़गार कर रहे हैं। अब ये कितना सही है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं इंतखाब कैमरामैन आनंद के साथ न्यूज़ 111।